सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास है EQ Z6 Pro। इस मोबाइल की हम फुल रिव्यू करेंगे और मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को ये मोबाइल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस मोबाइल के कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए लेने से पहले कि इस मोबाइल में आप लोग को क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग रैम से स्टार्ट करते हैं। तो रैम आप लोग को इस मोबाइल में जो कि 8GB का देखने को मिल जाता है और 128GB का आप लोग को इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, यानी कि 8 के साथ आप लोग को 128GB देखने को मिलता है। अब हम इस मोबाइल के बैक कैमरा के बारे में जान लेते हैं। तो बैक कैमरा आप लोग को इस मोबाइल में जो कि 64 MP का देखने को मिल जाएगा बैक में, प्लस 2 MP यानी कि बैक में आप लोग को ट्रिपल बैक कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही साथ एशिया में भी आप लोग फोटो क्लिक कर सकते हो और 4K वीडियो भी शूट कर सकते हो। इस मोबाइल का आप लोगों को कैमरा क्वालिटी जो कि अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं तो वो आप लोगों को जो कि 16 MP का आप लोगों को फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि ठीक ठाक ही रहता है। अब हम इस मोबाइल के बैटरी के बारे में जान लेते हैं। तो इस मोबाइल में आप लोग को बैटरी जो कि 5000 mAh का आप लोग को लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिलता है, जो कि आराम से 2 दिन चला जाएगा, जो कि नॉन रिमूवेबल होगा, जो कि टाइप सी सपोर्ट करता है चार्जिंग के समय में। फास्ट चार्ज की बात कर लेते हैं तो फास्ट चार्ज आप लोग को इस मोबाइल में जो कि 33 W का आप लोग को फास्ट चार्ज देखने को मिलता है, जो कि आप लोग को बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज कर देता है आपके मोबाइल को, जो कि 100% जो कि आप लोग को 50 मिनट्स में आपका अराउंड हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। ये 2 घंटा 3 घंटा ऐसा नहीं लगाता, जो कि बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज हो जाता है। और इस मोबाइल में आप लोग को जो कि 5G सपोर्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि 5G नेटवर्क भी सपोर्ट होगा। 2 SIM आप इसके अंदर में घुसा सकते हो, प्लस VoLTE भी सपोर्ट करता है और SD कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम इस मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में जान लेते हैं। तो इस मोबाइल में आप लोग को जो कि स्नैपड्रैगन 778 का आप लोग को प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर होगा, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस आप लोग को बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोग ये मोबाइल जो कि गेमिंग पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि इस मोबाइल में आप लोग को परफॉर्मेंस जो कि अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इस मोबाइल में आप लोग को जो कि डिस्प्ले साइज भी आप लोग को ठीक ठाक देखने को मिलता है, प्लस परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, प्लस प्रोसेसर भी अच्छा होगा। इस मोबाइल में आप लोग को डिस्प्ले साइज जो कि 6.6 इंचेस का आप लोग को फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ, जो कि आप लोग को 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही स्मूथ होगा। जो कि गेमिंग खेलोगे तो बहुत ही अच्छा खासा स्मूथनेस आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आप लोग को खेलने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस मोबाइल में आप लोगों को जो कि स्क्रीन प्रोटेक्शन आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 6 का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्लास होगा, जो कि और बहुत ही स्ट्रांग भी होगा और आपका मोबाइल को जो कि सेफ एंड सिक्योर रखेगा, जो कि फटने से बहुत ही कम, जो कि अगर आपका मोबाइल गलती से गिर जाए तो फटने से जो कि चांसेस कम हो जाता है ये ग्लास रहने से। और इस मोबाइल में आप लोगों को जो कि फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है, जो कि साइड माउंट फिंगरप्रिंट होगा, जो कि ठीक ठाक ही होगा, जो कि बहुत ही जल्दी अनलॉक कर देता है आपके मोबाइल को। डुअल स्पीकर आप लोगों को इस मोबाइल में देखने को मिलता है, डुअल स्पीकर होगा जो कि बहुत ही लाउड वॉल्यूम होगा। और इस मोबाइल में आप लोगों को एंड्रॉयड 12 वर्जन का देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल के अब हम वेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो आप लोग को 187 ग्राम का देखने को मिलेगा, यानी कि मोबाइल हल्का होगा, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। थिकनेस की बात कर लेते हैं तो वो आप लोग को 8.2 mm का होगा, यानी कि मोबाइल पतला होने वाला है। ओवरऑल हाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो वो आप लोग को 164 mm का देखने को मिल जाता है, यानी कि मोबाइल जो कि अच्छा खासा हाइट होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल अब हम इस मोबाइल की प्राइस के बारे में जान लेते हैं कि इस मोबाइल का आप लोग को प्राइस कितना देखने को मिलता है। अगर आप लोग ये मोबाइल लेना भी चाहते हो तो प्राइस तो पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों को जो कि अराउंड 25,000 का देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों को 24,999 का जो कि ठीक ठाक ही प्राइस है, जो कि 25,000 में आप लोग को ये सब परफॉर्मेंस और फीचर्स देखने को मिलता है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बहुत अच्छा मोबाइल है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल होगा। और इस मोबाइल की अब हम कलर्स के बारे में जान लेते हैं, तो वो आप लोगों को जो कि 2 कलर्स देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक में देखने को मिल जाएगा और ब्लू में देखने को मिल जाता है। साथ साथ लुक डिज़ाइन भी इसका बहुत अच्छा खासा होगा और पतला भी मोबाइल है और सब इसका फीचर्स भी अच्छा है। अगर आप लोग लेना चाहते ही हो तो आप लोग ले सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, आप लोग जा करके उधर से भी ले सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि ये मोबाइल अगर इतना ही अच्छा है तो इस मोबाइल में आप लोगों को खराबी क्या देखने को मिलेगा। तो इस मोबाइल में आप लोग को अच्छा ही तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग को इस मोबाइल में कैमरा भी अच्छा खासा है, 5000 mAh का जो कि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिलता है, 33 W का फास्ट चार्ज, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, 5G मोबाइल होगा। और इस मोबाइल में आप लोग को ऐसे बहुत सारा परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिल जाता है। और इस मोबाइल में आप लोग को 120Hz का रिफ्रेश रेट है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला है स्लो टच का, या तो कुछ स्लो रेस्पॉन्स का और कुछ शॉर्टेज का भी कोई इशू नहीं आने वाला, लैग का कोई इशू नहीं आने वाला है।
और कुछ इस मोबाइल में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ये मोबाइल आप लोग बेफिक्र ले सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा मोबाइल है। गेमिंग परफॉर्मेंस आप लोगों को स्पेशली जो कि बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, और इस मोबाइल में आप लोगों को कुछ भी ख़राबी देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, पर इतना भी ठीक ठाक ही है। 25,000 है, अगर ये अराउंड 20,000 होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, पर 25,000 भी ठीक ठाक ही है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले लीजिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर देखने को नहीं मिलता है। तो यही सब था इस मोबाइल का कुछ फीचर्स और फुल रिव्यू और बाय और नॉट बाय का वीडियो। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो आप लोग क्या करना है पता है, ये वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।